देर रात घुमारवीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब नेशनल हाईवे 103 स्थित बघेर के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 798 पेटियां अवैध शराब की बरामद की गई। गौरतलब है कि HP 695452 नंबर का ट्रक कंद्रोर की तरफ से आ रहा था कि नाकेबंदी के दौरान ट्रक की तलाशी ली गई। उसमें से 540 पेटियां देसी शराब और 258 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद की गई। वहीं ट्रक चालक महेंद्र सिंह जंडुता हल्के के बंठी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके पास शराब ले जाने का कोई भी लाइसेंस और परमिट नहीं था। वहीं घुमारवीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर शराब की पेटियों को जब्त कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी देते हुए घुमारवीं DSP राजेंद्र जसपाल ने बताया कि इतनी भारी मात्रा में ये अवैध शराब कहां से लाई जा रही थी, जिसकी जांच की जा रही है और आगे भी अवैध शराब और नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तरी भारत में बिलासपुर एक ऐसा जिला है जहां पर जल थल और नभ की खेलें एक साथ होती हैं। प्रशासन और सरकार की बेरुखी के कारण बिलासपुर की गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स पर विराम लग गया है। कहने को नगर के लुहनू घाट पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जहां से वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स का संचालन होता रहता है। लाखों की लागत से बना ये भवन अब 100 पीस बनकर रह गया है। वहीं यहाँ पर लाखों की लागत से रखे गए मोटर बोट, काइक बोट और वाटर स्पोर्ट्स के दूसरे उपकरण धूल फांक रहे हैं, जिसकी देखरेख करना विभाग भूल गया है। दो हजार सात में काइकिंग एंड कनोइंग नेशनल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें यहां पर दर्जनों खिलाड़ी पूरे भारत से आए हुए थे। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि गोविंद सागर झील का जलस्तर लगभग 6 महीने से ज्यादा इसमें भरा रहता है। यहाँ पर नेशनल स्तर की प्रतियोगिता हर साल आयोजित करवाई जा सकती है, लेकिन प्रशासन की इस ओर कोई रुचि नहीं है। काइकिंग एंड कनोइंग वाटर स्पोर्ट्स बिलासपुर में 75 किलोमीटर तक करवाई जा सकती है। वहीं जब काइकिंग एंड कनोइंग वाटर स्पोर्ट्स से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में गंदा पानी होने की वजह से यहाँ पर कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो पाती है, क्योंकि गोविंद सागर झील गंदगी से भरी रहती है, जिसके कारण पानी साफ नहीं रहता था, बीमारियों का फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 सितंबर से वाटर स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया जा रहा है। खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के जिलाधिकारी श्यामलाल कौंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर के लुहनू मैदान पर हॉकी के जिला स्तरीय मैचों का आयोजन कर हॉकी खेल के जादूगर के नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद को उसके जन्मदिन पर याद किया गया। इस अवसर पर 18 टीमों के खिलाड़ियों ने शामिल होकर हॉकी खेल में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। उन्होंने बताया कि इस खेल आयोजन में शामिल हुए खिलाड़ियों के खान पान व रहने की व्यवस्था जिला खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के सौजन्य से की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें बिलासपुर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य विभागों व स्कूली बच्चों ने नई दिल्ली से हो रहे लाइव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य योग व अन्य खेल गतिविधियों के माध्यम से देश के हर वर्ग का स्वस्थ बनाना है, देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, इसके उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों सहित शिक्षण संस्थानों में इस कार्यक्रम का दूरदर्शन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। अभियान का उद्देश्य योग व खेल गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने कहा कि फिट इंडिया अभियान शुरू होने से वे मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि वे अभियान की ओर गति देने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। विद्यार्थियों ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से वे नशे जैसी बुराइयों से बचेंगे। फिट इंडिया अभियान वास्तव में तभी सार्थक होगा जब देश का हर नागरिक जिम्मेदारी से उसमें अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय मंडी तथा जिला के समस्त उपमंडलों में लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के शुभारंभ अवसर पर दिए गए भाषण का सीधा प्रसारण दिखाया गया। मंडी के पटेल मैदान में जिला सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा अपने परिसर में स्वच्छ हिमाचल व स्वस्थ हिमाचल की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया।
इस अवसर पर जिला सेवाएं एवं खेल अधिकारी ने बताया कि भारत का नाम रोशन करने वाले हॉकी के जादूगर स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हर साल 29 अगस्त का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर आम जनमानस को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ करना उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अपने आप को स्वस्थ व तंदुरुस्त रखना हर बच्चे युवा महिला व बुजुर्गों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान आंदोलन का रूप लेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 10 स्वास्थ्य संदेशों का उल्लेख किया है जिसे स्कूलों कॉलेजों जिला व खंड स्तर पर मिशन के रूप में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद स्मारक प्रतिभा खोज हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है जिसमें जिला भर से 4 टीमों ने भाग लिया।